नमस्कार दर्शकों, NBCN न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। जैसा कि हम सब जानते हैं कि होली आ रही है और ऐसे में पकवानों की मिठास ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। उसी कड़ी में हम आपको आज लेके आए हैं नागपुर की सबसे फेमस शेफ भावनास किचन में। तो चलिए हम जानते हैं कि इस बार होली के लिए उन्हें क्या कुछ अपने किचन में स्पेशल बनाया है। हमारे साथ मौजूद है शेफ भावना। मैम, होली है और पकवानों की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। मैम, आज आपकी किचन में क्या कुछ स्पेशल है, होली स्पेशल, जो हमारे दर्शकों को आप बताएंगे। हेलो, वेलकम अंकिता, आपका भानस किचन में स्वागत है। एंड आज हम बनाने वाले होली स्पेशल मालपुआ की रेसिपी। एंड मालपुआ बहुत ही लोगों को बनाना नहीं आता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ऑयल में वो फट जाता है, कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं एंड वो उतना टेस्टी नहीं बनता है। सो परफेक्ट मालपुआ की रेसिपी आज हम बनाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज मालपुआ की रेसिपी। ओके, सो गाइस, अभी हम लोग चाशनी बनाने वाले। सबसे पहले हमको बनाना है चाशनी। तो चाशनी के लिए हम पतीला लेंगे एंड पतीले को गैस पे रख के गैस ऑन करेंगे। इसमें डालना है 1 कप वाटर। सबसे पहले मैं चीनी ऐड कर देती हूँ। 1 कप चीनी लेंगे तो 1 कप भी हमको चाहिए पानी। तो 1 कप जितनी हमने ले ली है, इसके अंदर चीनी हम तुरंत ही ऐड करेंगे, इसके अंदर वाटर। तो जितनी चीनी है उतना ही पानी हम ले लेंगे, शुगर के क्रिस्टल ना आए। एंड इसके अंदर डाल देना है 1/2 टीस्पून इलायची की पाउडर। एंड ये मेरे पास केसर सिरप है, जो पानी में मैंने भिगा के रखा है ऑलरेडी, बहुत सारे क्लासेस में जरूरत होती है तो ये बना हुआ है। आपको क्या करना है, इसके अंदर ऐड कर देना है चुटकी भर केसर। तो ये केसर अगर आपको पसंद है तो ऐड कीजिए, अदरवाइज इलायची पाउडर भी चलेंगी। तो इसमें मैं ऐड कर देती हूँ ये केसर इलायची वाला सिरप। चाशनी बनाने के लिए हमें लिया है इसके अंदर 1 कप शुगर, 1 कप वाटर, 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, 1 टीस्पून केसर इलायची सिरप हमने लिया है एंड हमने लिया इसमें 1 टीस्पून लेमन जूस, ताकि शुगर के क्रिस्टल ना बने। जब हम चाशनी में मालपुआ को डालेंगे तो इसके क्रिस्टल नहीं बनते है ना। इसमें हम डालेंगे चुटकी भर नमक, क्योंकि हर मीठे में एक चुटकी भर नमक तो जाना चाहिए, तभी उसका स्वाद बढ़ता है। किसी को समझ में नहीं आता ना, जस्ट ठीक हाथ को चिपचिपा लग जाए बस उतनी ही बनाएंगे, तो भी वो ठंडी होने के बाद अपने आप ही 1 तारीख बन जाती है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको पकाने के लिए बस आपको 3-2 मैम, आपने जो ये नींबू का रस किया है वो हर चाशनी में, जहाँ पे आपको शुगर की क्रिस्टलाइजेशन को रोकना है ना, उस हर चश्मे में आप लेमन जूस ऐड कर सकते हो। एंड उसकी वजह से टेस्ट फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा चश्मे के अंदर, है ना। तो अभी आपने देखा इसमें हल्के से 1 तार बन रहा है जी, है ना। तो इसमें देखिए हल्का सा 1 तार बन रहा है, तो ठंडा होने के बाद ये पूरा तार बन जाता है। तो ये था एक्चुअली ठंडी चाशनी में ही हमको मालपुओ को डीप करना होता है। तो ये मेरी चाशनी अभी बनके बिल्कुल रेडी है। तो मैं गैस बंद कर देती हूँ एंड ये साइड में रखेंगे। अभी करते हैं मालपुए की तैयारी। हम लेंगे 1 कप मैदा, 1 कप मिल्क, 1/2 कप हमको चाहिए मावा, 1/2 कप वाटर, ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से वाटर चाहिए लगेगा आपको, पिंच ऑफ सॉल्ट एंड थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऊपर से डेकोरेशन के लिए। एंड चाशनी हमारे बिल्कुल रेडी है। सो गाइज, अभी हम बनाने वाले हैं मालपुए का बैटर। तो मालपुए का बैटर आप हाथ से भी बना सकते हैं, आपको कद्दूकस करना होगा थोड़ा सा मावा, लेकिन फास्ट आपको बनाना है। तो वो कैसे बनाना है, एक मिक्सर का जार लेंगे एंड इसमें ऐड कर देंगे जो मावा हमने लिया है ये। सो ये मावा हमने ले लिया है पूरा मिक्सर में, इसमें डालेंगे थोड़ा सा मिल्क एंड हम मिक्सर स्टार्ट करेंगे। आप कोई भी मिल्क ले सकते हैं, कच्चा भी दूध ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। इसको बंद करेंगे एंड इसको ग्राइंड करेंगे। जब मावा अच्छे से मिल्क में मिल्क मिल जाएगा तब हम मैदा ऐड करेंगे। एंड इसके अंदर अभी हम ऐड करेंगे ये पूरा मैदा। इसमें ऐड करेंगे बाकी बचा हुआ दूध भी,
एंड अगर इसमें थोड़ा वाटर ऐड करने की ज़रूरत पड़ी तो हम वाटर भी ऐड करेंगे, लेकिन फिलहाल हम इसी कंसिस्टेंसी को देखेंगे। चेक करने के बाद थोड़ा सा पानी हम ऐड कर देंगे। में निकालेंगे। परफेक्ट, जो बैटर है वो एकदम परफेक्ट बना है। तब में ये कुछ नहीं कुछ नहीं। अच्छा, इसको सीक्रेट इंग्रेडिएंट में इसको आप बोल सकते हैं कि हाथ से करने से अच्छा बहुत टाइम भी चला जाता है, मैं बोलती हूँ। ओके, तो अभी ये देखिए इतनी कंसिस्टेंसी इतनी परफेक्ट हुई है, बहुत ही परफेक्ट। ना इसमें वाटर की जरूरत है ना कुछ है। हमने जब 1 कप मैदा लिया था 1 कप ही मिल्क लेना है। तो इसमें आपको अगर लगता है जैसे पुराना मैदा होता है तो उसमें हमको थोड़ा ऐड करना, अगर ड्राई होता है मावा तब हमको थोड़ा सा ऐड करने की ज़रूरत होती है, लेकिन कंसिस्टेंसी ऐसे चाहिए। एंड हाँ, मिक्सर में मैंने लिया है, 3 मिनट में हमारा काम हो गया है ना। अदरवाइज आपको हाथ से उसको घोटने के लिए बहुत समय लग जाएगा। हाँ, इसमें चाहेगा चुटकी भर नमक एंड इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैंने ऑयल रखा है गरम करने के लिए, आप उसकी जगह पे घी भी ले सकते हैं। तो घी को भी आपको गरम करना है, लेकिन मालपुड़े बनाते समय बस इतनी बात की ध्यान में रखना है, ज्यादा गरम हमको ऑयल नहीं चाहिए, ऑयल या फिर घी। तो इसको नमक को हमको मिक्स कर लेना है। ये बैटर देखिए इतना रनी कंसिस्टेंसी का होना चाहिए ना, ये रनी कंसिस्टेंसी का ये होना चाहिए। ओके, तो हम मालपुड़े बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन थोड़ा सा ऑयल गरम होने का वेट करते हैं। अंकिता जी, तो इसमें से ना हल्के से बबल डाल के ये हल्का हल्का ऊपर आना स्टार्ट हो जाता है, तब हमको इसमें ऐड कर देना है बैटर। तो इधर देखिए मैं एकदम आराम से ऐड कर रही हूँ, गैस की फ्लेम पूरी लो रखना है कभी ना। तो इसमें मालपुआ ऐसे डालना, बहुत ही मजेदार बनता है एंड परफेक्ट बनता है मालपुआ। ये मैंने डाल दिया है, एक साइज डिपेंड ऑन यू, क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने बड़े साइज के मालपुए बनाने हैं। तो मैं एट द सेम टाइम 3 ऐड कर देती हूँ। देखिए इस तरीके से आपको स्पून को घुमा दिया, अगर बैटर परफेक्ट हुआ है तो कोई टेंशन नहीं, मालपुए परफेक्ट ही बना। मालपुआ जो है ऊपर तैरने लग गया सारे मालपुआ, एंड इसको थोड़ा हल्का सा गोल्डन होने के बाद में हम इसको फ्लिप करेंगे। तो दोनों साइड से अच्छे से सेक लेना है एंड उसके बाद में इसको निकालेंगे। तो ये देखिए एकदम बढ़िया सा कलर आ गया गोल्डनिश, तो थोड़ा फ्लिप करेंगे, थोड़ा पलटा देंगे एंड ये जो है तीसरा थोड़ा होना बाकी है तो इसको थोड़ा रुक के हम करेंगे, लेकिन गैस की फ्लेम हमारी बिल्कुल लो होनी चाहिए। तो ज़्यादा ऑयल गर्म हुआ तो आप थोड़ा गैस बंद कर सकते हैं, ऑयल के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा सारा कुछ। एंड इसको मैं अभी फ्लिप कर लूँ। तो जो जाली आती है चाशनी सोखने के लिए, तो बहुत ही सुंदर जाली आई है एंड एकदम परफेक्ट गोली बनी, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं होता। मालपुआ आपको पता है कैसे होते, तो इसको दोनों तरफ से ये कलर आने लगा है ना। तो मैं इस प्लेट में इसको खोल दो, ये गोल्डन होने के बाद निकालती हूँ। दोनों तरफ से एकदम बढ़िया सा कलर आ गया। तो इस तरीके से हम चाशनी में कि हमारे जब हम डालते हैं जो लुकवार्म होनी चाहिए, तो मैं आपको चाशनी में जो 2 बने हैं उसमें ऐड कर लूँगी। इस तरीके से निकालने हैं, मालपुए हमारे गर्म होनी चाहिए और चाशनी हमारी थोड़ी सी लुकवार्म होनी चाहिए। तो ये देखिए मालपुए हमने डालना है, उसके ऊपर से थोड़ी चाशनी डाल देनी है एंड साइड में कर देनी है, ताकि हम इसके बाजू में दूसरे मालपुए ऐड कर सकें। तो ये भी मालपुए का कलर बहुत ही खूबसूरत आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया आया है।
गैस की फ्लेम फिर से बंद कर रही हूँ ताकि टेम्परेचर इसका थोड़ा कम रहे। जब आप मालपुए डाल रहे हो ना, टेम्परेचर बहुत कम होना चाहिए। अब मालपुए हैं, मालपुए के जैसे होने चाहिए, अच्छा मावा होना चाहिए इसके अंदर एंड मिल्क होना चाहिए, है ना। तो वो लजीज बनते हैं, बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी होती है। उसके ऊपर ड्राई फ्रूट होते हैं, बहुत बार इसमें रबड़ी ऐड करके भी लोग खाते हैं मालपुए के ऊपर। तो रबड़ी की रेसिपीज भी मैं किसी एपिसोड में आपको सिखा दूंगी। तो इसमें अभी मैं सेकंड बैच डालने वाली हूँ मालपुए की। तो ये देखिए कंसिस्टेंसी इसकी ऐसी रेडी कंसिस्टेंसी होती है। हाथ को थोड़ा सा घुमाते हुए आपको मालपुए को डालना है। तब अगर थिक हो जाती है तो इसमें हम वाटर ऐड कर सकते हैं। हाँ, इसमें अगर थिक हो जाता है बैटर तो वाटर आप 100% वाटर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैं तीन ऐड कर लेती हूँ। इस तरीके से घुमा के आप इसको डालें। तो अपन थोड़ा सा इस तरीके से वेट कर सकते हैं कि ऊपर आ जाए, तो फिर हम दूसरा डाल सकते हैं। अदरवाइज चिपक जाएंगे एक दूसरे से। दोनों मालपुए ऊपर आए हैं, मैं इसमें तीसरा ऐड कर लेती हूँ। मैम और ऐसा नहीं है कि बैटर को हमें थोड़ी देर तक इसको रेस्ट करने रेस्ट करना नहीं, ऐसा कुछ नहीं, 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 नहीं। हाँ, जब हम मिक्सर में इसको ब्लेंड करते हैं तब ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाता है एंड आपको रेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं होती। अभी गैस मैं ऑन कर रही हूँ क्योंकि हमने जब डाले थे इसके अंदर मालपुए, देखिए तुरंत ही ऊपर आ गए हैं एंड कलर बहुत ही बढ़िया आ गया है। तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर के साइड में और होने देना चाहती हूँ एंड फिर हम इसको फ्लिप करेंगे। नीचे से हल्का गोल्डन जालीदार कलर आना चाहिए एंड ऊपर से हल्का लाइट कलर आना चाहिए, तब वो जाके बहुत ही बढ़िया दिखते हैं। तो इस तरीके से आप रोटी वाला जो चुनता है ना उससे ये काम कर सकते हैं। यहाँ पे आप झारा और वो कलची यूज मत कीजिए। तो इस तरीके से पकड़ के आप फ्लिप बहुत आसानी से करते हैं एंड जब हम इस तरीके से फ्लाइज वाला काम करते बहुत सावधानी से करना चाहिए एंड टेम्परेचर की। हाँ, बैटर बहुत अच्छा बना है, चाशनी बहुत अच्छी बनी, लेकिन अगर आपकी टेम्परेचर जो है ऑयल का या गैस की बटन की तरफ अपना ध्यान नहीं रहा तो भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, है ना। तो फ्राइंग की टेक्निक्स होती है तो वो टेक्निक आपको पता होनी चाहिए। लो फ्लेम में, लो फ्लेम, यस। अगर ज़्यादा हीट हो जाते तो गैस थोड़े इसके लिए बंद कर लेते, थोड़ा सा टेम्परेचर लो हो जाएगा। तो बड़े पतीले लेके आप अगर पूरे फैमिली के लिए या फिर आप होली के लिए बना रहे हैं तो गेस्ट आते हैं घर में खाते हैं तो आप बड़ा पतीला रखिए। हाँ, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट आपकी तई जैसे होनी चाहिए, जैसे इसको तई बोलते हैं, जैसे फ्लैट होनी चाहिए। जब भी मालपुआ बनाते कढ़ाई में हम नहीं बना सकते, हमको इस तरीके से फ्लैट पैन में भी आप रिलेट कर सकते हैं। जरूरी नहीं नॉन स्टिक होना, बट वो नीचे से फ्लैट होना चाहिए। कलर बहुत प्यारा आया है मालपुए का, मैं इसको अभी निकालने वाली हूँ। सारे भी झटपट रेसिपी, बहुत झटपट रेसिपी है, फटाफट बनाते हैं। इसको मैं बाकी के मालपुओं को निकालती हूँ। ये जो मालपुए हैं ये बन चुके हैं, इसको हम डालेंगे चाशनी। पूरा ऑयल या घी आप निकाल देना इस तरीके से। मावा जो है अच्छी क्वालिटी का लेना है, उसमें कोई स्मेल वगैरह नहीं होनी चाहिए। गैस की फ्लेम बंद कर रही हूँ क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया है एंड इसको अच्छे से कोट कर लेना है। तो इस तरीके से हम बाकी के सारे मालपुए बना लेंगे, उसके ऊपर अपन ड्राई फ्रूट चॉप करके ऐड करेंगे एंड मालपुए बिल्कुल रेडी, होली बनाने के लिए आप लोग रेडी। तो इसको मैं प्लेट में डेकोरेट करती हूँ। तो इस तरीके से करेंगे तो एक्स्ट्रा चाशनी भी निकल जाएगी। इसके ऊपर हम थोड़े से ड्राई फ्रूट चॉप करके ऐड करें। और देखो गाइस, यहाँ पे थोड़े से आलमंड्स लिए हैं एंड थोड़े से कैशू लिए हैं, जिसको थोड़ा सा फाइनली चॉप करके हम डालने वाले हैं मालपुए के ऊपर एंड गर्मा गर्म मालपुए
आपके होली में और एक रंगत डालने के लिए बिल्कुल रेडी है। अगर त्योहार है और खाना एकदम चटपटा स्वादिष्ट नहीं है तो उस त्योहार का कुछ ये नहीं होता, कलर थोड़ा सा फीका पड़ जाता है ना। सो खान पान की इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिए, इस होली में आप ये मालपुई जरूर बना सकते हैं। मिठास तो ड्राई फ्रूट्स में इसके ऊपर थोड़ी सी चाशनी मैं ऊपर के साथ ही पोर कर देती हूँ। मालपुए बनके बिल्कुल रेडी है। आई होप गाइस ये मालपुए की रेसिपी आपको पसंद आई होंगी एंड ये झटपट मालपुए जरूर बनाइए होली के दिन में एंड अपनी होली को बहुत अच्छे से मनाइए। हैप्पी होली सब। होली पर आप भी अपने पकवानों में मिठास भरना चाहते हैं तो शेफ भावना के बताई रेसिपी मालपुआ को जरूर देखिए और बनाइए घर पे। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।